हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था और आज हम हुक्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक ओके सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर रिएक्ट हुक्स हुक्स आर द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन रिएक्ट सिक्सटीन पॉइंट एट वर्जन इट अलाउज़ यू टू यूज इस्टेट एंड अदर फीचर्स विदाउट राइटिंग अ क्लास हुक्स आर द फंक्शन विच हुक इन टू रिएक्ट इस्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्राम फंक्शन कम्पोनेंट इट डज नॉट वर्क इन साइड क्लासेस ओके सो देर आर सम रूल्स ऑफ राइटिंग हुक्स इट मस्ट बी रिटर्न इन साइड फंक्शन कंपोनेंट मीन्स हम यूज इस्टेट हुक की बात करें या आगे जाकर कोई भी हुक पढ़ें हुक हम सिर्फ फंक्शनल कम्पोनेंट में ही यूज कर सकते हैं इट मस्ट बी इम्पोर्ट इन कम्पोनेंट मीन्स इसे इम्पोर्ट करना ज़रूरी है मस्ट बी कॉल एट द टॉप लेवल ऑफ कम्पोनेंट मीन्स जब भी हुक्स को कॉल करेंगे कंपोनेंट के टॉप लेवल पर ही करेंगे हम जे सिक्स के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं हुक्स कैनोट बी कंडीशनल्स मीन्स इफ एल्स कंडीशन के साथ हुक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं इट डज नाट वर्क इन साइड क्लासेस it has some prerequisites also like node version should be 6 or above and npm version should be वर्जन शुड बी फाइव पॉइंट टू और अबव ओके सो लेट्स लुक एट द कोर्ट सो का रिमेंबर हमने प्रीवियस वीडियो में तीन बटन क्रिएट किए थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड आउटपुट सो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट बटन पर वर्क करेंगे सो so, मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ कॉन्स्ट इंक्रीमेंट नंबर एंड आई विल राइट कंसोल डॉट लॉग क्लिक ओके सो अब इस फंक्शन को मैं इंक्रीमेंट बटन में कॉल करूंगी बाय यूजिंग ऑन क्लिक फंक्शन ऑन क्लिक इंक्रीमेंट नंबर सो so गाइस आप लोगों को याद होगा कि जब हम जावास्क्रिप्ट में वर्क करते थे तो हम फंक्शन को यूज करने के लिए पैरेंथिस का यूज करते थे लाइक दिस बट हमें रिएक्ट में इसका यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट लाइक हम कंसोल में जाएंगे जैसे ही मैं क्लिक बटन पर क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो हो रहा है इसका मतलब है हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है सो अब हम लिखेंगे यूज स्टेट यूज स्टेट क्या है यूज स्टेट इज एन अरे विच रिटर्न टू आइटम्स लाइक आई कैन शो यू आई विल क्रिएट कॉन्स्ट काउंटर कॉमा सेट काउंटर इज इक्वल टू यूज state. So you can see जैसे ही मैंने use state पर click किया use state automatically import हो चुका है So आप लोगों को याद ही होगा कि इसे import करना जरूरी है otherwise ये error show करेगा Okay, so यहाँ पर मैं एक value assign करूँगी zero. सो यूज स्टेट हमेशा एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो वैल्यू होगी हमारी इनिशियल वैल्यू हम अपने वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं वो यही वैल्यू होगी और अगर मैं कुछ भी असाइन नहीं करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दूंगी और हाँ मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकती हूँ लाइक नंबर बुलियन स्ट्रिंग एनी ओके सो अब हम देखेंगे कि यूज़ स्टेट कौन सी दो चीज़ें रिटर्न करता है सो so, फर्स्ट वन इज़ जस्ट अ वेरिएबल आई हैव यूज तो ये करंट स्टेट रिटर्न करता है सो so मेरे काउंटर का करंट स्टेट अभी ज़ीरो है क्योंकि मैंने अभी ज़ीरो वैल्यू असाइन की है ओके okay, सो so ये दूसरी चीज सेट काउंटर क्या है ये एक फंक्शन है जो हमारी करंट स्टेट को अपडेट करता है हमारे फंक्शन को अपडेट करने में हमारी हेल्प करता है सो अब मैं आउटपुट वाले बटन में करंट स्टेट वाली वैल्यू को यूज़ करूंगी कली ब्रेसिस का यूज़ करके सो अभी मैं इस सेवन को रिमूव करूंगी एंड आई विल राइट काउंटर जो हमारी करंट वैल्यू है अब मैं इसे सेव करूंगी सो यू कैन सी अब हमें यहाँ पर सेवन की जगह जीरो शो हो रहा है सो अब मैं हमारे फंक्शन में लिखूंगी आई विल रिमूव कंसोल डॉट लॉक क्लिक एंड आई विल राइट सेट काउंटर काउंटर प्लस वन मीन्स हमारी करंट वैल्यू में प्लस वन कर दो सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट जैसे ही मैं इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करूंगी हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी सो गाइज सेम प्रोसेस हम डिक्रीमेंट बटन के लिए भी करेंगे सो आई विल कॉपी दिस फंक्शन And I will change its name decrement number. Okay. So I will write set counter counter minus one. And I will call this function here on click decrement number. सो ना यू कैन सी हमारा डिक्रीमेंट बटन भी वर्क कर रहा है सो so, गाइस मैं लास्ट में यहां पर एक डिक्रीमेंट बटन भी क्रिएट कर सकती हूं सपोज आई विल राइट बटन एंड आई विल राइट रीसेट ओके सो मैं इसे भी सी एस एस दे देती हूं क्लास नेम एंड रीसेट ओके सो यू कैन सी फोर्थ बटन इज रिस बटन मैं चाहती हूं जैसे ही मैं रिसेट बटन क्लिक करूं यहां पर वैल्यू जीरो हो जाए सो so, इसके लिए मैं यहां पर डायरेक्ट आपको फंक्शन किस तरह से कॉल करना है वो बताती हूं ऑन क्लिक ओके सो नाउ वी कैन सी द आउटपुट जैसे ही मैं रिसेट बटन पर क्लिक करूंगी हमें जीरो शो होगा फोर एंड आई विल क्लिक रीसेट यू कैन सी जीरो सो अब आप एक चीज़ यहां पर नोटिस करना कि जब हमारे आउटपुट की वैल्यू यहां पर जीरो होगी उसके बाद भी वो माइनस हो रहा है लाइक like, यू कैन सी जीरो एंड आई विल क्लिक माइनस सो यू कैन सी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो हम इसे डिसेबल भी कर सकते हैं सो वी विल राइट हियर डिसेबल्ड एंड काउंटर ट्रिपल इक्वल जीरो